हेलो फ्रेंड्स, मैं एमडी आपका स्वागत करता हूं नेक्स्ट जेन डब्ल्यूएलएन वीडियो सीरीज में। आज हम बात करने वाले हैं आरएफ प्रोपोगेशन के बारे में। तो आरएफ प्रोपोगेशन क्या होता है, आरएफ प्रोपोगेशन की डेफिनेशन क्या होगी। आरएफ प्रोपोगेशन इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रेडियो वेव्स व्हिच डिटरमाइंस हाउ द सिग्नल विल ट्रैवल ओवर अ डिस्टेंस। सो आरएफ प्रोपोगेशन वो होता है जो डिटरमाइन करेगा कि आपकी जो वेव्स होती हैं वो कैसे ट्रैवल करने वाली है। बिकॉज आरएफ जो वेव्स होती हैं वो बहुत ज्यादा अफेक्ट होती हैं मीडियम से। लेट्स से आपकी अगर आरएफ वेव एयर में ट्रैवल करती है तो वो उसकी अलग प्रॉपर्टी होगी। अगर वो पानी के थ्रू ट्रैवल करती है तो उसमें अलग उसकी प्रॉपर्टीज आएंगी। या अगर आप अर्थ के एटमॉस्फेयर से ऊपर की तरफ जाते हैं तो वो अलग तरह से बिहेव करती हैं। तो आरएफ वेव डिफरेंट तरीके से बिहेव करती है बेस्ड ऑन मीडियम, उनका जो मीडियम होता है उसके ऊपर बेस्ड होती हैं। तो चलिए कुछ प्रैक्टिकल बात करते हैं कि एक्चुअल में आरएफ वेव्स बनती कैसे हैं और इसमें ट्रांसमीटर क्या होता है और रिसीवर क्या होता है, आइए जानते हैं इनके बारे में। सो जैसा कि हमने आपको पिछले लेक्चर्स में बताया कि आरएफ वेव्स वो एक अल्टरनेटिंग करंट की तरह होती हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें प्लस पीक होती है और माइनस पीक होती है जो अप एंड डाउन कंटिन्यूसली चलती रहती है, उसको हम अल्टरनेट करंट बोल देते हैं क्योंकि वो चेंज होता रहता है। ये जो वेव्स होती हैं ये आपके एक सर्किट में बनाई जाती हैं एक ऑसिलेटर की मदद से। पिक्चर में आप देख सकते हैं ऑन द लेफ्ट साइड आपके पास ये ट्रांसमीटर मैंने दिखाया हुआ है, ट्रांसमीटर, और ये एक रिसीवर है। तो एक्चुअली में इसमें होता क्या है, एक्चुअली में ये ट्रांसमीटर ऐसा दिखता है, सभी ट्रांसमीटर ऐसा नहीं होते, बेस्ड ऑन आपका जो डिवाइस क्या है उसके बेसिस पे ये ट्रांसमीटर और रिसीवर बनते हैं। ट्रांसमीटर क्या होता है, ट्रांसमिट जो आपकी वेव्स को जनरेट करके उसको ट्रांसमिट करे, और रिसीवर क्या होता है जो इन वेव्स को रिसीव करके प्रोसेस करे और यूजफुल इंफॉर्मेशन उसमें से बनाए। तो ट्रांसमीटर में एक्चुअली वेव्स बनाने के लिए होता क्या है, ट्रांसमीटर के अंदर एक ऑसिलेटर होता है जो कि वेव्स को जनरेट करता है। सपोज करो आपके पास एक ऑसिलेटर है वो 2 मेगाहर्ट्ज या 2 हर्ट्ज की वेव्स को बनाता है, मतलब वो एक ऐसी वेव बनाता है जो कि 1 सेकेंड में 2 साइकिल पूरे करती है। इसके साथ एक एंटीना लगा होता है, तो जब ये अल्टरनेटिंग करंट, जब ये अल्टरनेटिंग वेव इस एंटीना के अंदर ट्रैवल करेगी तो ये एक एनर्जी यहाँ से इंड्यूस करेगा, जैसा हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था कि एक एनर्जी बन जाती है यहाँ पे, ये होती है आपकी वेव्स। तो ये वेव्स ट्रैवल कर जाती हैं एयर के थ्रू, आप इस तरह से फैल जाती हैं। रिसीवर क्या करता है, रिसीवर के पास भी एक एंटीना होता है जो कि जैसे ही ये एंटीना के टच में ये वेव्स आती हैं ये इनको रिसीव कर लेता है। ये रिसीवर इनको रिसीव करने के बाद इसको प्रोसेस करता है, प्रोसेस करने के बाद इसमें से मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकाल के आपको दे देता है। तो इस तरह से ये ट्रांसमीटर और रिसीवर काम करते हैं और इस तरह से ये वेव्स प्रोपोगेट करती है। तो ये हुआ आरएफ प्रोपोगेशन। अगले वीडियो में हम बताएंगे आपको कि आरएफ प्रोपोगेशन करते हुए वेव्स किन चीजों से अफेक्ट होती है। जैसा कि हमने डिस्कस किया मीडियम्स के बेस पे ये अफेक्ट होती है, तो हम अगले वीडियो में उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून, कीप वॉचिंग नेक्स्ट जेन डब्ल्यू लैन। थैंक यू।